मार। ओके, इन दिस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट पीपीसी एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. देयर इज थ्री प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. देखिए भाई, होम टू प्रोड्यूस की जब बात आती है इकोनॉमी के लिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेटेड टॉपिक है. और सेकेंड हम कह सकते हैं दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विथ the problem of allocation of resources among the different section of the society. Different section of the society कहने का मतलब हमारे यहां दो section of the society, richer section of the society है और poorer section of the society है. थोड़ा सा समझिएगा यहां पे समझना पड़ेगा. ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए इसका एक बेसिक चीज समझ में आना होगा. देखिए, होम टू प्रोड्यूस कहने का मतलब है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम. This problem is related with the distribution of income. अगर जो हमारा income, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, equal distribution of income. ये चीज को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा. और अगर unequal distribution, एक बात ये बुक में आपका किसी भी चैप्टर में नहीं होगा और कहीं पे भी ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इस टॉपिक को डील करने के लिए इस टॉपिक को यहां पे ला रहा हूं. थोड़ा समझिएगा. मान लीजिए कि अगर 1 लाख रुपीज है, पूरे इकोनॉमी का इनकम 1 लाख है. सबको समझ में आ रहा है? हेलो जी. कि अगर 1 लाख टोटल इनकम है इकोनॉमी का, अब अगर सब में 10 लोग हैं और 10 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो पर पर्सन कितना पड़ेगा? 10,000 सबका इनकम होगा. अगर 10,000 इनकम हो तो बेसिक एक्सपेंस सबका मान लीजिए कि 60% है, तो सब लोग खाने पीने स्वास्थ्य शिक्षा में 6,000 खर्च करेगा. सबका सेविंग कितना होगा? मान लो 2,000 उनका अदर एक्सपेंस हो जाए, टोटल 8,000 उनका खर्च होगा. बचेगा कितना उनके पास? 2,000. 2,000 इंटू 10 इज इक्वल टू टोटल इकोनॉमी का सेविंग कितना होगा? 20,000. ये एक चीज समझिएगा. अगर पहला केस मैं ले रहा हूं, अगर इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो अब बात करते हैं अनइक्वल. तो ऐसे केस में, अगर ये एक इमेजिनरी केस है, ये पॉसिबल नहीं है कि सबका इनकम बराबर ही हो, ये इमेजिनरी सिचुएशन हम बस फील कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है. अब अगर हमारा इनकम अनइक्वल हो, मान लीजिए 10 लोग, एक का इनकम है 50,000, दूसरे का इनकम है 30,000 और बाकी जो बच गया 20,000, उसमें 8 लोग हैं, तो ये 50,000 कमा रहा है, तो इसका मान लीजिए एक्सपेंस कितना होगा? पूरे महीना में बहुत खर्च करेगा तो 10,000 करेगा बेसिक. इसका सेविंग कितना हो जाएगा? 40,000. अगर इसका 30,000 है, तो ये भी मान लीजिए कितना खर्च करेगा? इसका भी मान लेते हैं कांस्टेंट खर्च है 10,000, तो ये कितना बचा लेगा? 20,000. और ये जो 8 लोग मिलकर के 20,000 कमा रहे हैं, ये लोग भी मान लो 10% ही बचाए, तो कितना बचाएंगे? 2,000. तो टोटल इकोनॉमी का सेविंग हो गया कितना? 44,000. ये चीज देखिए. एक चीज अगर सब लोग, अब एक चीज समझिए, बोलिए कि सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? जैसे जैसे एक ह्यूमन का ये नेचर है
कि जैसे जैसे वुमेन का इनकम बढ़ते जाता है, उसका हम लोग एक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी, एक चैप्टर हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, 12th क्लास में पढ़ेंगे, वहां पर ये चीज आप देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट मैं वहीं से ये कॉन्सेप्ट को लाया हूं। तो वहां पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे इनकम हमारा बढ़ता है, प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ते जाता है और प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन घटते जाता है। अगर कोई 2 करोड़ रुपया कमा रहा है तो 2 करोड़ खर्च नहीं करेगा, मुकेश अंबानी का खर्च उसके इनकम के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, कम परसेंटेज होगा। लेकिन हमारा जितना लोअर लेवल ऑफ इनकम होता है, मान लो हम 500 पर डे कमाते हैं, तो 500 में 450 हमको खर्च करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम 5000 रोज कमाएंगे तो 4500 हमारा पर डे का खर्च नहीं होगा। तो जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ते जाता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घटते जाता है और प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ते जाता है। प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ने से क्या होगा, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सेविंग ज्यादा होगा तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। अगर इकोनॉमी में सेविंग ज्यादा होगा तो इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इकोनॉमी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। जीडीपी ज्यादा होने का मतलब है कि इकोनॉमी, और इकोनॉमी के ग्रोथ को हम कैसे शो कर सकते हैं कि जो हमारा मान लीजिए कि पहले 100 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा था, वो प्रोडक्शन अब कितना होगा, 120। ये तब होगा जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तब जब हम सिर्फ रिचर सेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन क्या कंट्री लाइक इंडिया सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में सोच के डेवलप कर सकता है? नहीं, हमेशा गवर्नमेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करना चाहती है। कैसे गरीब, अब देखिए सरकार कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करना चाहते हैं। हमारे यहां जो टैक्स है वो टैक्स का सिस्टम है प्रोग्रेसिव। हमारे यहां प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। प्रोग्रेसिव कैसे है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स का रेट भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। द रेट ऑफ टैक्स इज इंक्रीजेस। कुछ लोगों को 10% देता है, जो 8 लाख से ज्यादा कमाएंगे उसका 10%, उससे ज्यादा 20, और उसके बाद कितना, 30। यानी कि इनकम बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ टैक्सेस भी क्या होते रहता है, बढ़ते जाता है। तो ये चीज समझिएगा कि अगर इकोनॉमी में सिर्फ गरीब, अब मैं टॉपिक पे आता हूं फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो इन आवर सोसाइटी देयर आर 2 सेक्शन, रिचर सेक्शन एंड द पुअर सेक्शन। इफ द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग फॉर द रिचर सेक्शन, अगर सिर्फ इकोनॉमी हमारा अपर सेक्शन के बारे में प्रोडक्शन कर रहा है, अपर सेक्शन के लिए सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, रिचर सेक्शन और अपर सेक्शन के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा, गरीब और गरीब और अमीर हो जाएगा, विच क्रिएट अ डिच इन द इकोनॉमी बिटवीन अपर सेक्शन एंड द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, विच इज नॉट अ गुड कंडीशन फॉर इकोनॉमी, बिकॉज आवर इकोनॉमी इज अ सोशल वेलफेयर इकोनॉमी, सामाजिक कह सकते कल्याणकारी सरकार है। वो कभी नहीं चाहेगी कि गरीब और गरीब हो और अमीर हो। लेकिन अगर इकोनॉमी हमारा पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करेगा, तो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव नॉट द परचेजिंग कैपेसिटी, उनके पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। परचेजिंग कैपेसिटी कहने का मतलब है कि वो ज्यादा पैसा देकर के सामान को परचेज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा बाबू, अब ऐसे केस में होगा कि प्रॉफिट का मार्जिन जो है, जो सामान 100 वाला अपर सेक्शन 110 में खरीद सकते हैं, वो लोअर सेक्शन 105 में ही खरीदेगा। तो प्रॉफिट का मार्जिन कितना, 5। तो ऐसे केस में इफ इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग फॉर द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो हमारा पीपीसी, हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने का मतलब सेविंग कम होगा, सेविंग कम होने का मतलब इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब हमारा प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होने का मतलब जीडीपी कम हो जाएगा, जीडीपी कम होने का मतलब हमारा इकोनॉमी लो लेवल पे ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ होम टू प्रोड्यूस। मैंने बहुत अच्छे से
डीपली इस टॉपिक को आपको बताए हैं। किन्हीं लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, होम टू प्रोड्यूस से किन्हीं को कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। जरा देखते हैं प्रॉब्लम को, होम टू प्रोड्यूस को। दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड जनरेट मोर सरप्लस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली पीपीसी वुड शिफ्ट टू द राइट बट प्रॉपर सेक्शन दिस इज नॉट पुअरर सेक्शन पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड सफर डिप्राइवेशन वो और कुपोषित हो जाएंगे गरीब और गरीब हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर इकोनॉमी अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी तो, लेकिन अगर गरीब के लिए पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करेगा तो प्रॉफिट मार्जिन इकोनॉमी का कम हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन कम होने से इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम होने से प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम हो जाने से जीडीपी इकोनॉमी का क्या होगा, कम हो जाएगा। जीडीपी कम होने से इकोनॉमी लो लेवल पे ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं जब इकोनॉमी पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन कर रही है तो इकोनॉमी हमारा पीछे ब्लू लाइन से जो पीपीसी बनाया गया है वो अगर इकोनॉमी हमारा पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करेगा तब वहां हमारा पीपीसी ऑपरेट होगा। इफ इकोनॉमी इज प्रोड्यूस फॉर द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी देन पीपीसी शिफ्टेड टू फॉरवर्ड इट इज शिफ्टेड टू सी एंड डी। सो दिस इज योर प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस। एक हमारा टॉपिक है सी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है हमारा पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखते हैं एक बार। अच्छा एक कोई पल्ले पड़ रहा है ना, हमारा पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इसी में मैं एक टॉपिक पर जोड़ रहा हूं पीपीसी एंड फुलर utilization of resources। एक चीज समझिएगा, हमारे पास ये लैंड है, भूमि। इस लैंड का प्रोडक्शन कैपेसिटी है 100 टन्स। अगर इस लैंड का फुलर यूटिलाइजेशन किया जाए तो 100 टन्स हम वीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर इस लैंड को हम सेकेंडरी यूज करें तो 40 क्विंटल या 40 टन्स हम राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस इज द फुलर कैपेसिटी ऑफ दिस लैंड If this land is fully utilized, अगर इस पूरे land पे production होता है तो wheat का 100 tons और rice का 100 tons। अगर हमने इसके 60% भाग पे ही production किया और 40% पे हमने production नहीं किया तो क्या production बढ़ेगा या घटेगा? Production हमारा क्या होगा बाबू? घट जाएगा, घटेगा। तो ये जो 40% लैंड है ये हमारा क्या है? अनयूटिलाइज्ड। उसी तरीके से अगर ये हमने एक सिचुएशन लिया है, एग्जांपल लिया है, इंडिया में
इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूं, बट 20-30% वर्क फोर्स जो है वो अनयूटिलाइज्ड है। अनयूटिलाइज यानी कि यहाँ का जो पॉपुलेशन का वर्कफोर्स है, यहाँ के जो युवा हैं, वो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड। अगर इनका यूज किया जाए तो इंडिया में प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, यहाँ का जीडीपी बढ़ेगा। बट गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई रोजगार ही नहीं है जिससे ये वर्कफोर्स का, ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन किया जा सके। खास करके अगर हम बिहार की बात करें तो और भी हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है अनयूटिलाइज है, दूसरे दूसरे स्टेट में जाकर के बहुत मिनिमम वेजेस कॉस्ट पे वर्क कर रहा है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हमारे स्टेट के लिए। तो अगर हमारा जो रिसोर्सेज है अंडर यूटिलाइज रह जाएगा तो वैसे केस में हमारा प्रोडक्शन कम होगा। हमारा अब एक चीज समझिएगा, फिगर से भी थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। X, Y, 0। अगर ये है 100 और ये है 40, दिस इज आवर पीपीसी, हमने पहले भी पढ़ा था ना, ये होगा जब इकोनॉमी में क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ क्या हो, रिसोर्सेस। अगर फुलर यूटिलाइजेशन हो तो इस लैंड का जो फुलर कैपेसिटी है वो 100 और 40, एंड दिस इज आवर पीपीसी विच डिनोटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी, कह सकते हैं गुड्स एक्स एंड गुड वाई। ये फुलर यूटिलाइजेशन होगा तब। अब अगर अंडर यूटिलाइजेशन हो, अंडर यूटिलाइजेशन कहने का मतलब कि हमारा रिसोर्सेज है उसका फुल यूटिलाइजेशन ना हो, वो पॉइंट यहां भी हो सकता है, वो पॉइंट यहां भी हो सकता है, वो पॉइंट यहां भी हो सकते हैं, वो पॉइंट यहां भी हो सकते हैं। यानी कि अगर अंडर यूटिलाइजेशन होगा तो इसको तो वो क्रॉस नहीं कर सकता है कभी, बिकॉज रिसोर्सेज का फुल पारा। तो जितने भी पॉइंट होंगे अगर उनका अंडर यूटिलाइजेशन होगा, ऐसे केस में जो भी पॉइंट होगा वो पीपीसी के बाउंड्री लाइन के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। दिस इज योर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। एक बार स्लाइड पे देखते हैं फुलर और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को। पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इट मींस एग्जांपल इज बेस्ट इंडिया, रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज एंड इन इफिशियंटली यूटिलाइज। व्हाट्स द रिसोर्सेज वी हैव, दे आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज, उन संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसे केस में हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, देखिए वो शो कर रहा है ए और बी, If there is fuller utilization of resources, then हमारा production ये A और B के boundary line पे हो सकता है। लेकिन हमारे economy में जो भी resources हैं, उनका fuller utilization नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो भी point होंगे, वो AB boundary line के under में होंगे। That is point P and Q, and this is known as under utilization of resources। एक बार देख लीजिए हैं टॉपिक को। आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है ड्यू टू जूम ऐप। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, सिंपली अब आप समझ लीजिए कि हमारा रिसोर्सेज ही बढ़ जाए। रिसोर्सेज बढ़ने का मतलब है कि पहले मेरे पास 1 एकड़ जमीन था, अब मेरे पास जमीन हो जाए 2 एकड़, तो प्रोडक्शन बाबू बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, बिकॉज हमने रिसोर्स को ही क्या करता, बढ़ा दिया। तो दैट इज योर पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। एक बार देखेंगे पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्स। एज फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं हमारे पास
पहले 1 एकड़ जमीन था, तो प्रोडक्शन हमारा 100 था। अब अगर जमीन और 1 एकड़ बढ़ जाए तो डेफिनेटली है, जब हम इसमें भी फार्मिंग करेंगे तो इसमें भी हमारा 100 एकड़ क्या होगा, और सॉरी 100 टन हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब हमारा प्रोडक्शन कितना हो होगा बाबू, 200 टन। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए कि पीपीसी वाई जीरो और एक्स, मान लीजिए कि पहले पीपीसी यहां था 140, अब पीपीसी कहां चला जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, इट इज बिकम 80 एंड 200। दिस इज योर ऑफ रिसोर्सेस, 2 गुना पीपीसी फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, और इसी को हम लोग कहेंगे ग्रोथ ऑफ क्या, रिसोर्सेस। एक बार स्लाइड पे देख लेते हैं पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस को। बोलते हैं व्हेन न्यू रिसोर्सेज आर डिस्कवर द इकोनॉमी वुड शिफ्ट फॉर वेयर इंप्लाइंग अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट, इट इज एसिव ओनली पोटेंशियल आउटपुट इज एसिबल ओनली व्हेन ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड इफिशियंटली यूटिलाइज। ये तभी पॉसिबल होगा कि जब हमारे रिसोर्सेज बढ़े, हमारा लैंड 100 से 200 हो और उनका फुल्ली और इफिशियंटली यूटिलाइजेशन हो, उनका जो भी हमारे पास लैंड है उसका फुल यूटिलाइजेशन हो और इफिशियंटली यूटिलाइजेशन हो। ऐसे केस में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा पीपीसी कहां मूव करेगा। फिगर नहीं बना है सर, सॉरी। इन दिस केस क्या होगा, इधर आएंगे, थोड़ा सा फिगर को मैं इधर समझा देता हूं। इन दिस केस व्हाट्स हैपेंड, जो हमारा पीपीसी है अगर वो 140 पे वर्क कर रहा था, अब हमारा रिसोर्सेस इंक्रीज कर जाएगा तो पीपीसी हमारा फॉरवर्ड क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, एंड दिस इज नोन एज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर टुडे क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द, हमारा नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आज ही उसको स्टार्ट करने वाला था बट ड्यू टू सम टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम वी हैव, दैट्स व्हाई आज हमारा वो टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पाया। इन नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट दैट टॉपिक। थैंक यू।